आज दिनांक 3/10/2024 को ये बिना किसी दबाव के और बिना किसी किसी भी प्रलोभन के मैं सभी हल्का इसराना वासियों से ये हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि मैं जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार हूँ और मैं अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री कृष्णलाल पवार जी को दे रहा हूँ। जैसे कुछ सामाजिक दबाव था और जैसे वहाँ पे परिस्थितियाँ बनी तो उनके साथ फ़ोटो वगैरह हुए और बातचीत करते हुए शायद किसी ने वीडियो वगैरह भी कर ली, उसमें कुछ मुझे लगता है कि उसमें ऐसी एडिटिंग वगैरह है कि मैं उनको समर्थन वगैरह दे रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। और अगर ऐसा प्रचार किया गया है तो वो सरासर गलत है और मैं जननायक जनता पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। हमें पता है कि आचार संहिता लगी हुई है और कल 5 बजे शाम को चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक अति आवश्यक सूचना थी जो आपके माध्यम से हम जनता तक पहुंचा सकते हैं। आप ही प्रजातंत्र में मीडिया ही एक स्तंभ है जो आम आदमी तक बात पहुंचाएगी। हमारे कुछ साथियों ने, आज की बीजेपी सरकार ने हमारे साथ रघुनाथ कश्यप जी को ग्रामीण से जो कैंडिडेट थे उनको तोड़ लिया। ऐसे नहीं होना चाहिए, चुनाव के बीच में किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को नहीं बिठाना चाहिए। अगर वो सत्ता पक्ष से अलग किसी पक्ष में जाता है तो उसे हम मान लेते हैं, सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने सोनीपत में ज्वाइन किया, ये गलत है। हमने इसकी चुनाव आयोग में भी लिखा है, इसका ठीक नहीं है। नंबर दो, सुनील पोड़िया जी हैं, हमारे डॉक्टर सुनील पोड़िया जी हैं, ये इसराना विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार हैं और इनको कल ये वोट मांगते हुए जब इसराना से घर घर घूम रहे थे अपना बस्तों के बारे में, जब ये कभी पहुँचे तो वहाँ पर कृष्णलाल पवार जी जो मौजूदा सांसद हैं राज्यसभा के, उनका भी कार्यक्रम था, वो भी कैंडिडेट हैं बीजेपी के, तो इन्होंने शिष्टाचार उनसे भेंट की। वहाँ इनसे भेंट करने के दौरान कई साथियों ने प्रेशर डाल करके इनसे कुछ कलवा लिया, लेकिन ये उसके बाद भी हल्के में रहे सारी रात और सुबह भी। ये हमारी पार्टी है, कैंडिडेट ने किसी को समर्थन नहीं दिया है, ना ये बैठे हैं, ये पार्टी का चुनाव लड़ रहे हैं। चाबी के निशान पर हमारे कैंडिडेट सुनील पुड़िया जी हैं और चाबी के निशान पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये कल जो मतदान होगा उसमें चुनाव में है, इनकी हिस्सेदारी बरकरार है, इन्हें किसी को समर्थन नहीं दिया है, ये कहने के लिए हमने आपको बुलाया। कल जैसा कि जिलाध्यक्ष जी ने बताया है कि अपने चुनावी कार्यक्रम चल रहा है और लास्ट स्टेज पे है, तो मैं थोड़ा जोर से अपना जो कार्यकर्ता और जो साथी है उनके पास चुनावी प्रबंधन के लिए घूम रहा था, तो उसी दिशा में मैं कई गाँव में पहुँचा था। वहाँ पे हमारे कुछ साथी पुराने बीजेपी के भी, क्योंकि पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता रहा हूँ और 12-14 में मैंने काफ़ी सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, तो बहुत सारे साथी मतलब 90% लोग मुझे बहुत नज़दीक से जानते हैं, तो वहाँ उनसे भेंट हुई और उसी के बीच वहाँ पर कृष्णलाल पवार जी से मेरी भेंट हुई। उसमें जैसे कुछ सामाजिक दबाव था और जैसे वहाँ पे परिस्थितियाँ बनी तो उनके साथ फ़ोटो वगैरह हुए और बातचीत करते हुए शायद किसी ने वीडियो वगैरह भी कर ली, उसमें कुछ मुझे लगता है कि उसमें ऐसी एडिटिंग वगैरह है कि मैं उनको समर्थन वगैरह दे रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से वो गलत है। और अगर ऐसा प्रचार किया गया है तो वो सरासर गलत है और मैं जननायक जनता पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ और पूरे ज़ोर शोर से चुनाव में हूँ। वो तो आपको जो जबरदस्ती पटका बनाया, ये जबरदस्ती की वीडियो है। मैं डॉक्टर सुनील पोड़िया, जननायक जनता पार्टी उम्मीदवार हल्का इसराना, हल्के की जनता से अपील करता हूँ कि आने वाले 5 तारीख आदरणीय श्री कृष्णलाल पवार जी को ये तो जबरदस्ती ये उस समय की नहीं है सर, ये पहले की वो है, ऐसे कुछ हम एडिटिंग कर रहे थे और कल की ये वीडियो नहीं है। हाँ जी, पत्रकार हैं, वाली करते हैं हमारे, नहीं आपका आपकी तो है ही नहीं है, ये तो किसी ने बनाई है। क्या बात है, क्या नहीं है, आप ओरिजिनल बात रखें, हम पत्रकार हैं, बाकी समझते हैं। बुलाई है
तो सच्चाई बताएं पत्रकारों को, सच्चाई बताओ कि आखिर क्या दबाव था। सच्चाई यही है जी, जो कुछ सामाजिक दबाव था और मैंने बताया आपको, कुछ पुराने साथी थे, जो पुराने साथी थे उन्होंने दबाव भी बनाया और उसमें ये बातचीत ऐसे चल रही थी। यही बात है, बीजेपी को ज्वाइन करो। नहीं, ज्वाइनिंग की कोई बात नहीं हुई, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और मैं वो हूँ, तो पार्टी ज्वाइन करने का तो कोई वो था नहीं। उन्होंने कहा कि बाहर से समर्थन आप दे दो, समर्थन कर दो। हाँ, फिर आपने समर्थन कर दिया, फिर रात को सोचा भी ऐसा गलत हुआ है? नहीं, मेरे को उसी समय ये रियलाइज़ हो गया था और मैंने उनको बोला भी था कि इस तरह का वीडियो मत डालो, पर ये वायरल हो गया और उन्होंने इसका राजनीतिक फ़ायदा उठा लिया। आपको रियलाइज हुआ या जननायक जनता पार्टी के द्वारा आपको प्रेशराइज किया गया? आपको नहीं, प्रेशराइज का कुछ भी नहीं है जी। उसी टाइम पे भी मैंने बोला था कि ये जो वो है वैसे ही बातचीत हो रही थी और मेरे को पता भी नहीं था कि ये रिकॉर्डिंग चल रही है।